जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ज्यादातर लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इसकी होने की संभावना को कम कैसे किया जाए। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपके सामने इस इम्पोर्टेंट विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूं। हाउ हार्ट अटैक अकर्स, दिल का दौरा कैसे पड़ता है। हार्ट में आर्टरीज के थ्रू ब्लड पास ऑन होता है। जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं तो इसे प्लैक्स कहा जाता है, और जब ये प्लैक्स रप्चर होना शुरू होते हैं तब ये ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देते हैं और ब्लड का फ्लो स्टॉप कर देते हैं। ऐसे में आर्टरीज के थ्रू ब्लड पास आउट नहीं हो पाता और वहां पे हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट की मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और यही कारण होता है हार्ट अटैक। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के सिम्टम्स मैन में और वुमेन में अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैन की बात करें तो उनको डिस्कम्फर्ट और टाइटनिंग इन आर्म्स, बैक, नेक, शोल्डर और जॉस फील होता है। साथ के साथ चेस्ट में पेन फील हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर वुमेन की बात करें तो वहां पे उन्हें सडन डिजलिंग फील होगा, मीन्स कि उनको चक्कर आने लगेंगे, हार्ट बर्न लाइक फीलिंग होगा कि हार्ट में कुछ जल रहा है, कोल्ड स्वेट, पसीना आना शुरू होगा और ठंड फील होगा। साथ के साथ नौजिया और वोमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगती है, या फिर अनयूजुअल टायर्डनेस मीन्स कि बिना कुछ काम किए थकावट फील होना। ओके, तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज नंबर वन। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर टू, हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसे भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर थ्री, ओवरवेट। अगर किसी का वेट बैलेंस्ड वेट ना होके ज्यादा वेट हो चुका है तो वहां भी चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ेंगे। नंबर फोर, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है बॉडी में तो वहां भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। नंबर सिक्स इज फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी फैमिली मेंबर को हिस्ट्री में किसी भाई को, किसी बहन को या फिर किसी पेरेंटल इफेक्ट हो, किसी को पहले से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो वहां भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ हार्ट अटैक कैन बी मिनिमाइज्ड। हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज को कम किया जा सकता है कुछ हेल्दी हैबिट्स को एक्वायर करके, जिससे कि हमारा हार्ट क्या हो, हेल्दी हो। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपना बैलेंस वेट मेंटेन करके रखें, स्टे एक्टिव, एक्सरसाइज करें, फॉलो अ हेल्दी डाइट खाएं, क्विट स्मोकिंग, स्मोक से दूर रहें, अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, मॉनिटर योर कोलेस्ट्रॉल, अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा मॉनिटर करें, वॉच योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को वॉच करें और अगर बढ़ता है या फिर कम होता है तो डॉक्टर की हेल्प से उसको कंट्रोल में रखें। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।